हिमाचल प्रदेश के इतिहास में संभवतः सबसे लंबे समय तक चला क्रमिक अनशन 432 दिन बाद खत्म हो गया है। करुणामूलक आश्रित संघ ने करुणामूलक आधार पर भर्तियों की मांग को लेकर अनशन शुरू किया था। सरकार ने करुणामूलक आश्रितों के लिए क्लास डी में भर्ती को मंजूरी तो दे दी, लेकिन क्लास सी में भर्ती की मांग अभी भी अधूरी है। बावजूद इसके करुणामूलक संघ ने अब क्रमिक अनशन को खत्म करने का फैसला लिया है। करुणामूलक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि सरकार ने क्लास सी में भर्ती करने से इनकार कर दिया है, ऐसे में अब करुणामूलक संघ के लोगों ने क्रमिक अनशन को खत्म करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि सरकार चुनाव के बाद एक बार फिर क्लास सी में भर्ती को लेकर विचार करेगी, ताकि करुणामूलक आश्रितों को राहत दी जा सके। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है, अब डिपेंड करता विभागों के ऊपर, क्योंकि इस टाइम मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है इस टाइम कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ दो हमारे विभाग बचते हैं, एक जल शक्ति विभाग जिसमें 372 केस पेंडिंग है, और एक सीएस के जो यूनिवर्सिटी पालमपुर में है उसके 80 केस पेंडिंग है। जबकि 372 जो जल शक्ति विभाग के केस पेंडिंग है उसमें सरकार ने जो है वन टाइम तो किया है, लेकिन वहां पर विभाग में जो पद है पीएन और चौकीदार के वेकेंट नहीं है। वहां पर जो पद खाली है वो सिर्फ जूनियर हेल्पर के बेल, उसमें से जूनियर हेल्पर प्लस चौकीदार के हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का कहना ये है कि जब तक वित्त विभाग से फाइल वापस नहीं आती हम इसके ऊपर एक्शन नहीं करेंगे। जब तक वित्त विभाग लिख कर नहीं दे देता कि इन जो वेकेंट सीट है इनको भर दिया जाए एक साथ, तब तक जो है हम इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। जबकि सीएसके यूनिवर्सिटी में 80 केस पेंडिंग है, और उसमें जो है एक विभागीय तौर पर मतलब जो घोटाले हुए हैं वो भी सामने आए हैं, क्योंकि उसमें जो है पिक एंड चूज के माध्यम से लोगों को रखा गया था। 2006-07 के लोग इंतजार कर रहे हैं, 2014-15 के लोग जो है नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन इस टाइम वहां पर मेन दिक्कत ये आ रही है कि वहां पर जो है कैडर लिमिट जो है 250 है, लेकिन सीएसके यूनिवर्सिटी जो है 250 प्लस स्टाफ चला गया है, 250 और उसमें से 151 इन्होंने जो है अलग से भर दिए हैं। इस टाइम 250 की कैडर लिमिट होने के बावजूद भी जो 400 के आसपास जो है इस टाइम स्टाफ चला हुआ है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग जो है अभी हाल ही में 6 तारीख को। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16